हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम विशेश्वर गाबा है। मैं एक सुजोग हीलर हूँ, थेरेपिस्ट हूँ, सुजोग थेरेपिस्ट हूँ और सुजोग पत्ती से लोगों का उपचार करता हूँ। सुजोग पद्धति एक्यूपंक्चर पद्धति है। सुजोग वर्ड जो है ये दो शब्दों से बना हुआ है, दो कोरियन शब्दों का एक कॉम्बिनेशन है, सु एंड जोक। सु और जोक, सु मीन्स हाथ, जोक मीन्स पैर। इस सुजोग हीलिंग साइंस, सुजोग पत्ती के इन्वेंटर प्रोफेसर पार्क जेवू, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस पत्ती को की खोज में और इसके विकास में लगा दिया। उन्होंने देखा अगर हम दिन में किसी भी अपने एक अंग को सबसे ज्यादा देखते हैं तो वो हमारे हाथ हैं। हाथ धोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, नहाते हुए, ब्रश करते हुए और काम कपड़े पहनते हुए, हमारा मोस्टली ध्यान हमारे हाथों पे जाता है। उन्हें पाया कि ईश्वर ने हमारे हाथों में हमारे शरीर के रिमोट कंट्रोल बनाए हैं। जैसे हम दूर से टीवी के रिमोट से टीवी ऑन कर लेते हैं, चैनल बदल लेते हैं, आवाज़ कम ज़्यादा कर लेते हैं, उसका कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसे ही हम अपने हाथों के ऊपर अलग अलग अंगों के जो पॉइंट्स बने हुए हैं, हम उन पॉइंट्स को अगर हम ठीक से स्टिमुलेट करें, उनको हम एक्टिवेट करें, तो हम उस अंग तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पहुंचा सकते हैं। उन्होंने ये पाया कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उसके कॉरस्पोंडेंस पॉइंट्स, कॉरस्पोंडेंस बिंदु हमारे हाथों में हैं। जब भी हमारे उस शरीर के अंग में कोई रोग, कोई दिक्कत, कष्ट होता है या कोई रुकावट आती है तो उसका एक मैसेज, उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट उस हर कॉरस्पोंडेंस पॉइंट तक आता है। कॉरस्पोंडेंस हमारे पॉइंट हमारे कानों में भी हैं, हमारी आंखों में भी हैं, हमारे हाथ में भी हैं, जीभ पर भी हैं, पैरों में भी हैं, हाथों में भी हैं, कई जगह हैं। तो जो है किसी अंग के अंदर कोई रुकावट आती है या कोई खराबी आती है तो उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस हर कॉरस्पोंडेंस पॉइंट तक जाता है। जब भी हम उस पॉइंट को हम टच करेंगे तो हमें दर्द होगा, जब हम उसको स्टिमुलेट करेंगे तो दर्द बढ़ेगा। जो ही दर्द बढ़ेगा, थोड़ा सा असहनीय हो जाएगा, तो उसी से एक और फिर दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होगी जो इस दर्द को ठीक करने के साथ साथ उस क्योरिंग वेव को उस अंग तक भी भेजेगी जिस अंग के अंदर वो रुकावट हुई हुई है। तो अब हम देखते हैं, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, थोड़ा सा आपको स्क्रीन से दिखाऊंगा मैं। ये हमारे प्रोफेसर पार्क जेवू हैं जिन्होंने सुजोग थेरेपी की खोज की, इन्वेंट किया। सेल्फ केयर मैंने बताया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से दूर रहें, अल्लाह परमात्मा ईश्वर खुदा वो सब हमारे अंदर है, उसको अपने अंदर ही पहचानें। आजकल के समय में जबकि इतना इस माहौल में इतना एक खौफ चल रहा है, उसमें अपने इम्यून सिस्टम को हम कैसे फिट रखें। हमें फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्व्ड फूड से दूर रहना है क्योंकि ये इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं। हमें जितना चाहिए हम फ्रेश फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। हमें चाहिए कि हम अपना सुबह एक कप लेमन हर्बल टी के साथ शुरू करें। हमारे किचन में जो हर्ब्स हैं, अदरक है, तुलसी है, दालचीनी है,
इलायची है, सौंफ है, अजवाइन है, पुदीना पत्ता है, इन सबको पानी में अच्छे से उबालकर उसके बाद थोड़ा नींबू का रस डालकर उसको पिए। ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, इसमें सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं। उसके अलावा हम एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जो हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको खूब खाएं जिनके अंदर जिंक हो, विटामिन ए हो, विटामिन सी हो, विटामिन डी हो, अमीनो एसिड लाइसिन हो, ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रहे। हमारे पास जो किचन में जो अदरक और जो हल्दी है और लहसुन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, शरीर में अंदर से किसी भी किस्म के वायरस को, बैक्टीरिया को ख़त्म करने में इनमें शक्ति होती है। इसका हमें खूब इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सुबह अपने घर के बाहर बालकोनी में या छत पर आज बिल्कुल जहाँ से कि हमारा एक पार्क ना जाना पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग हमारी बनी रहे, हमको लगभग 15 से 20 मिनट धूप में जरूर जाना चाहिए ताकि हमारे विटामिन डी की हमारे बॉडी के अंदर कमी ना हो। हमें योगा और अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो रिस्टोर रहे, बड़ी रहे। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने अंदर कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन होने से बहुत रोग होते हैं, हमारी जो आते हैं वो एक हमारा एक अलग दिमाग है, उनका एक अपना अलग दिमाग है। अगर हाथों में मल जमा रहेगा तो बहुत रोग पैदा होंगे, इसलिए ज़रूरी है कि हम हाथों को बिल्कुल साफ रखें। उसके लिए आप आयुर्वेदिक या सुजोगपति से जैसे भी चाहें अपने आप को फिट रख सकते हैं। अब मैं पहले आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे हमारे सुजोगपति जो है वो हमारे जो हाथ हैं वो कैसे हमारे शरीर का रिमोट कंट्रोल है। आप इस चित्र को देख रहे हैं, मैं आपको कर्सर दिखा रहा हूँ। देखिए, हमारी दो टांगें बीच में होती हैं, दो हाथ बाहर में होते हैं। ये दो उंगलियां जो बाहर की हैं ये हमारे दोनों हाथों को रिप्रेजेंट करती हैं, जो बीच की दो उंगलियां हमारे दो पैरों को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारा अंगूठा हमारे सिर को और छाती को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर बाकी जो हिस्सा है हमारे वो आगे का हिस्सा पेट को और पीछे का हिस्सा हमारी बैक को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे हमारी जो ये सांस के, हार्ट के और नाक और जो हमारा मेन जो आजकल वायरस में इन्फेक्शन जहाँ फैल रहा है वो सारे अंग यहाँ पर हमारे मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा नाक है, यहाँ हमारा मुंह है, यहाँ हमारे टॉन्सिल्स हैं, यहाँ हमारा लेरिंग्स है, यहाँ हमारे थायराइड ग्लैंड्स हैं, यहाँ हमारा ये हमारे बाएं हाथ पर, यहाँ हमारा बाया फेफड़ा है, यहाँ हमारा दाया फेफड़ा है और यहाँ हमारा हृदय है। कई बार क्या होता है कि हमको आंखों के पास, नाक के पास बहुत तेज दर्द होता है, हमारे साइनस यहाँ पर होता है, फ्रंटल साइनस होता है, नाक के पास होता है, कई बार कानों के पास बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है, बड़ी गर्मी लगती है, हमारे फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं इधर साइड में कानों के पास, नाक से लिंक और गले के पीछे से लिंक होते हैं। इसके लिए हमारे जो टॉन्सिल्स हैं दोनों फेरेंजियल और पैलेटल टॉन्सिल्स, ये हमारे बॉडी का पहला रक्षा की फौज है हमारे बॉडी की। कोई भी अंदर अगर जर्म आएगा, कोई भी वायरस आएगा तो उसको ये रोकने की कोशिश करते हैं। जब ये कमजोर पड़ जाते हैं तभी कोई वायरस या रोग अंदर जाता है। तो हमें जब भी, यदि हमें गले में जरा सी भी खराश हो, खांसी हो, गले में खराश हो रही है, सांस अंदर लेने में दिक्कत हो रही है, मीन्स कि हमारे टॉन्सिल्स जो हैं वो वायरस को रोकते रोकते उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ चुकी है, उनको थोड़ा सा कुछ ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ आराम चाहिए, तभी वो ठीक से काम करेंगे। जैसे कि एक आदमी अगर
ज्यादा काम कर रहा है और वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। ऐसे ही इनकी भी जब ये ऐसे एक रोग के वातावरण में काम करते हैं तो इनकी भी क्षमता कम हो जाती है, हमें इनको फिट करना होता है। उसके लिए जब भी लगे कि गले में खराश हो रही है, गले में सांस में दिक्कत हो रही है, तो एक नीला या काला रंग लीजिए, यहाँ टॉन्सिल्स पर, बिल्कुल गले के यहाँ हमारे टॉन्सिल होते हैं, तो हमारे हाथ के अंदर, हमारे हाथों में बिल्कुल यहाँ पर और इधर यहाँ पर जहां पेन होगा उस जगह पर हमको नीला रंग लगाना है, जिससे कि हम अपने टॉन्सिल्स को के अंदर जो इन्फ्लेमेशन आई है उसको हम शुरू से कंट्रोल कर सकें। अगर हमारे हमें यहाँ बहुत गर्मी लग रही है और खारिश हो रही है, पेन हो रहा है, तो फिर हमें यहाँ पॉइंट चेक करना होगा हमारे फेलेंजियल टॉन्सिल्स का, उस पर भी हमको फिर ब्लू कलर लगाना होगा ताकि वो उसकी मसाज उसको स्टिमुलेट करना होगा ताकि वो जो यहाँ पर जो एक इन्फ्लेमेशन आया है वो ठीक हो जाए और वो भी अपना और वो इन्फेक्शन जो है वो ऊपर ना जाए, ब्रेन में ना जाए हमारा, क्योंकि इसी टॉन्सिल से ऊपर इन्फेक्शन ब्रेन में जाता है, यहाँ से ऊपर चला जाता है। इट कैन गो टू द लंग्स, हार्ट, हमें इनको बिल्कुल पहले स्वस्थ रखना है। अब देखिए फिर हमारे हाथ के ऊपर, हमारे अंगूठे के अंदर, यहाँ हमारे बायां फेफड़ा है, यहाँ हमारा दायां फेफड़ा है, यहाँ हमारा हार्ट है। अगर हमें जरा सा भी सांस में दिक्कत हो रही है तो हमको इन लंग्स के पॉइंट के ऊपर चेक करना पड़ेगा कि हमें कहाँ ज्यादा दर्द है, मसाज करनी चाहिए अच्छे से हार्ट के पॉइंट पर, लंग्स के पॉइंट पर, ताकि इनमें खून का बहाव ठीक रहे और इनके अंदर फंक्शनिंग ठीक रहे इनकी। साथ में मैं एक दो पिक्चर साहब साथ में और शेयर करना चाहता हूँ स्क्रीन के अंदर। ये हमारे शरीर के अंदर दो गुर्दे होते हैं, बायां गुर्दा दायां गुर्दा, बायां गुर्दा दायां गुर्दा, इनके ऊपर हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। ये हमारे शरीर के अंदर जो हमारी जो अस्थियां होती, हड्डियां बनती हैं, उसको रेगुलेट करने का काम हमारी किडनीज करती हैं। अगर हमारी किडनी स्वस्थ रहेंगी तो हमारी बोन्स स्वस्थ रहेंगी, बोन्स स्वस्थ रहेंगी तो बोन्स के अंदर बोन मैरो हेल्दी बनेगा, बोन मैरो हेल्दी बनेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि सारी हमारी जो हमारा जो खून है वो बोन मैरो से बन के आता है, तो हमारा जो है सारे जो इम्यून सेल्स हैं, हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग बनेगा। तो ऐसे आपातकाल में हमको दोनों किडनी की मसाज करनी चाहिए। किडनी की शक्ल बिल्कुल राजमा की तरह है, अगर सोते हुए हम इसके ऊपर दो राजमा लगा दें ऐसे जिस तरह ये लगे हुए हैं, उससे भी किडनी एक्टिवेट हो जाएंगी, किडनी एक्टिवेट हो जाएंगी तो वो जो एनर्जी यहाँ पैदा होगी वो किडनी में जाएगी, वो किडनी में जब क्यूरिंग इफेक्ट जाएगा वो सारी बोन्स में जाएगा, बोन्स में जाएगा तो वो बोन मैरो में जाएगा, बोन मैरो में जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स और ब्लड जो है वो अच्छे से बनेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसको अच्छे से इस पर काम करें। ये देखिए कि हम कैसे अपने लंग्स और हार्ट के लिए एक छोटे एरिया में जा सकते हैं। ये हमारी कोई भी उंगली के ऊपर जाकर हमारे इधर राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। अगर हम उंगली को ऐसे रखते हैं उल्टा करके तो ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है। सीधा करेंगे तो लेफ्ट इधर आ जाएगा, राइट इधर आ जाएगा। तो हमारा जो ये हमारा लेफ्ट है तो हमारा बायां फेफड़ा इधर होगा, दायां फेफड़ा इधर होगा और हार्ट इसके यहाँ नीचे होगा ऑन द लेफ्ट साइड, मोर ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ हमारा हार्ट होगा। तो यहाँ बहुत कम एरिया के अंदर, जबकि हमने पहले देखा था इस पिक्चर के अंदर हमारे जो हार्ट और लंग्स हैं उसके लिए हमको ये पूरे एरिया को छानना पड़ेगा कि
कहाँ कर गए, पूरे एरिया को। जबकि एक दूसरे सिस्टम जो प्रोफेसर पार्क ने बताया हमें कि हम थोड़े से एरिया के अंदर ही, किसी भी उंगली के अंदर इतने एरिया में दोनों फेफड़ों और हार्ट को रिचेक कर सकते हैं कि कहाँ पॉइंट, कहाँ दर्द है, और बड़े आसानी से उस पॉइंट को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं अच्छे से, उसको किसी भी चीज से, जो जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, माचिस की तीली हो या कोई और ऐसी कोई लकड़ी हो, कुछ और हो, उससे हमने अपने उस पॉइंट को चेक करना है पहले कहाँ दर्द है। सपोज आपको किसी को यहाँ दर्द आता है, उस पॉइंट पे अच्छे से स्टिमुलेट करना है, अच्छे से उठाइए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, जब तक पेन बढ़ रहा है बढ़ने दीजिए हल्का हल्का। जब पेन असहनीय हो जाए और ये जगह लाल हो जाए, मीन्स आपने उस एरिया को के अंदर अब एक इस पेन को क्योर करने का एक इफेक्ट पैदा कर लिया है। यूं ही पेन का क्योरिंग इफेक्ट यहाँ होगा, यहाँ को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और आपको और भी लगेगा कि मेरे वाकई मेरे लंग्स के अंदर कुछ अंदर जा रहा है। तो ये एकदम ये क्योरिंग इफेक्ट पूरे बॉडी में आ जाएगा। अब यहाँ दिखा रहे हैं हम कि हमारे बाएं हाथ पर यहाँ लीवर है और यहाँ पर गॉल ब्लैडर है। ये हमारा बाया हाथ है, यहाँ पर हम चेक करते हैं लीवर के लिए और यहाँ चेक करते हैं हम गॉल ब्लैडर के लिए, क्योंकि लीवर भी हमारा एक केमिकल फैक्ट्री है। हमारे सारे ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स आते हैं, वेस्ट और बायो वेस्ट आता है, उसको वो साफ करने का काम करता है ताकि वो टॉक्सिक वेस्ट पूरे बॉडी के अंदर आगे ना फैले। हमारी स्प्लीन भी जो है एक इम्यून सिस्टम का हिस्सा है और हमारी स्प्लीन इस बाएं हमारे राइट हैंड के अंदर यहाँ होती है, तो हम स्प्लीन को यहाँ से अच्छे से एक्टिवेट कर सकते हैं। सो हमको बेसिकली अपने सिस्टम को फिट रखने के लिए ये हमारी यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है, जिससे कि हमारा पेट ठीक रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। उसके लिए हम अपने बाएं हाथ पर यहां अगर मसाज करेंगे यहां से मसाज करेंगे ऐसे, जहां हमारी आंतें जा रही हैं, तो हम उसको पुश कर रहे हैं बाहर, यहां से पुश कर रहे हैं और यहां आगे पुश कर रहे हैं कि हम उस पूरे वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं। इसको करने से भी हमारे आंतें साफ हो जाती हैं। तो ये हमें अपने कैसे गॉल ब्लैडर, लीवर, स्प्लीन को एक्टिवेट करना है, कैसे हमें अपने दोनों लंग्स को और हार्ट को चेक करना है, कैसे हमें अपने टॉन्सिल्स को ठीक रखना है, कैसे हमारा नाक की मसाज कर सकते हैं, साइनस की मसाज कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपने पूरे इम्यून सिस्टम के अंगों को और अपने लंग्स को और हार्ट को ठीक रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सूंघने की और स्वाद की शक्ति खत्म हो गई है, तो उस स्थिति के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगटा होता है, ब्रेन स्टेम का हिस्सा होता है, उसको हमें देखना होगा। तो हमारा ये हाथ का जो ज्वाइंट है, इसके ऊपर सेंटर में हम चेक करेंगे कि उसे कहाँ दर्द है, यहां से लेकर नाखून तक जहां दर्द है हम उसको स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट करने के साथ ही जो ही वो स्टिमुलेट करेंगे, जब वो पेन असहनीय हो जाएगा तो पेन गायब होना शुरू हो जाएगा और वो क्यूरिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तरीके से फटाफट उस ब्रेन के हिस्से पहुंच जाएगा जहां की रोग पहुंचा है, वहां पर हमारा ब्लड सप्लाई ठीक हो जाएगी, इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब तक ब्रेन का कंट्रोल, ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर है, जब तक वो स्वस्थ है तो वो लंग्स को और हार्ट के अंदर इम्यून सिस्टम को भेजता रहेगा ताकि वो रोग से लड़ते रहें।
इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप का प्रिवेंटिव क्योर करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, ये बहुत जरूरी है। हमें अपने बोन मैरो, एड्रेनल ग्लैंड्स, थाइमस, हमारा जो थाइमस होता है वो हमारा बिल्कुल यहाँ होता है, इसको भी हम अच्छे से स्टिमुलेट कर सकते हैं। जिस तरह से ये कोई हम नई कार लेते हैं उसका यूज करते हैं और आफ्टर सम टाइम ऐसे हमारा थाइमस जो होता है, हमारे जो ही हम बड़े होते हैं हम तो वैसा होते हैं, तो ये लगभग काम करना बंद कर देता है। तो ये हमारे शरीर में अंतर रहता है, ये हमारी एक पुरानी कार की तरह से है जिसको हम घर में खड़ा कर देते हैं, पर इमरजेंसी के अंदर हम उसका इंजन रिपेयर करवा कर टायर चेंज करके उसको इश्यूज कर सकते हैं। ऐसे हम इसको जब स्टिमुलेट करेंगे, अच्छे से मसाज करेंगे, जब इसके अंदर गर्मी आ जाएगी तो वही क्यूरिंग इफेक्ट हमारे थाइमस ग्लैंड के अंदर जाएगा एंड इट विल स्टार्ट हेल्पिंग अवर बॉडी, हमारे शरीर की हेल्प करना शुरू कर देगा इम्यून सेल्स को पैदा करने के अंदर। उसके अलावा अगर किसी आदमी का बॉडी ठंडा हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो हम घर में धूप होती है, हम धूप को लेकर उसके हाथों पर, दोनों हाथों पर, एक यहां उसको हम सेक करेंगे, एक बिल्कुल नीचे सेक करेंगे यहां पर, एक सेंटर में सेक करेंगे, उसको सेक देंगे, एक इससे यहां इसके बंद थर्ड में सेक देंगे, एक नीचे से ऊपर यहां बंद थर्ड में सेक देंगे, एक उसको यहां देंगे और एक इसके आधे में सेक देंगे। तो इन अंगों को सेक देने से उसके शरीर के अंदर एक गर्मी का प्रवाह आ जाएगा जिससे कि उसके शरीर को थोड़ी शक्ति मिलेगी अपने आप को उसे बाहर निकालने के लिए। लेकिन हमें उसको जो अंदर जो उसके लंग्स में जो दिक्कत आई है उसके लिए हमको अच्छे से मसाज देना, उसको स्टिमुलेट करना है। और हम यहाँ पर वाइट पेपर सील लगा सकते हैं, सफेद काली मिर्च, टॉन्सिल्स पर काली मिर्च लगा सकते हैं, गले पर काली मिर्च लगा सकते हैं, इवन यहाँ पर भी हम काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर जब उसको कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये हमें अंदर से उसकी हीट को निकालना है, इन्फेक्शन को निकालना है, तो वो हम कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से हम इसको। और यहाँ किडनी के पीछे हम लगाना है राजमा, ताकि किडनी हमारी ठीक एक्टिवेट रहे और कोई दिक्कत ना हो। ऐसे हम जब हम ये लीवर और स्प्लीन के पॉइंट थे, वहां पर हम मूंग की दाल के दाने लगा सकते हैं ताकि वो भी एक्टिवेट हो जाए और हमारे सिस्टम बिल्कुल ठीक ठाक काम करे। एक जो है, अगर मन में ज्यादा भय लग रहा है तो उस स्थिति में हमको बाएं हाथ के अंदर अपनी पहली उंगली के ऊपर के ज्वाइंट को अंगूठे से छूना है और दाएं हाथ का पहली उंगली को अंगूठे के बेस से छूना है और बीच उंगली और रिंग फिंगर से ऐसे टच करना है और ऐसे 10 मिनट बैठना है और ये सोचते हुए कि मैं अपने शरीर से इस जो मेरे पास अभी जो भय है मैं उसको दूर कर रहा हूँ। इससे आपके मन से जो भय है, जो उस रोग का भय है, वह दूर हो जाएगा। आपको 10 मिनट ऐसे बैठ जाना है इस मुद्रा के अंदर, इससे जो है आपके मन का भय दूर हो जाएगा। अब मैं एक मिनट बताऊंगा कि मैं इस पत्ती में कैसे आया। मैं भारत सरकार में उप सचिव के पद पर मैं कार्यरत रह चुका हूं। 2014 में मुझे अचानक पीठ में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टरों ने कहा कि आपके लंबर एरिया में एक बोन बड़ी हुई है, उसका हम एक ऑपरेशन करेंगे, इसमें कि रिस्क फैक्टर बहुत कम है, 1/2 out of 1000, तो आप ठीक हो जाओगे। क्योंकि मुझे बहुत भयंकर दर्द हुआ था, मन करता था कोई आरे से मेरी पीठ को चीर कर रख दे, इतना तेज दर्द था। पर मैंने वो इलाज नहीं करवाया, मैंने इसको सुजोग पत्ती से ठीक किया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो और मैंने उसके बाद इसमें काफी कोर्स किए हैं,
मैं इंडिया में काफी टीचर से मैंने सीखा है, फिर मैं रशिया में भी सीख कर आया हूँ। इसके लिए सुजोग पत्ति एक बहुत ही चमत्कारी पत्ती है, बशर्ते कि हम उसको उसमें विश्वास रखकर उसको अच्छे से सीखें और उसका अच्छे से पालन करें। धन्यवाद।